टिन सिटी के अंदर कमरों की मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, उससे पहले बाहर की तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से यहां पर सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। और इस जगह पर आम लोग, जो अयोध्या से बाहर से आने वाले लोग हैं या फिर अयोध्या से बाहर आने वाले श्रद्धालु, साधु और संत, इन लोगों को यहां पर ठहराया जाएगा। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 15,000 से ज्यादा लोग इस जगह पर ठहर सकेंगे। 1450 ऐसे कंपार्टमेंट तैयार किए जा रहे हैं और जहां तक आपकी नजर जाएगी, यह पूरा शहर, यह पूरी सिटी टिन के रूप में तब्दील हो गई है। टिन से यह बना हुआ शहर है और इस जगह पर आम लोग और श्रद्धालु या फिर साधु संत, जो दिल अयोध्या से बाहर से आने वाले लोग हैं, उनके लिए, उनके ठहरने के लिए इंतजाम किया जा रहा है। और पूरा ये, पूरी की पूरी ये कवायद 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हो रहा है और इस दौरान पहले से ही लोगों की आवाजाही शुरू हो जाएगी, लोग आने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में, क्योंकि बड़े बड़े होटलों में ठहरना और उनको ठहराना, उतने ना कमरे हैं और ना उतना इंतजाम है अयोध्या में, तो इसी की वजह से कहीं पर टेंट सिटी बनाई जा रही है, कहीं पर टीन सिटी बनाई जा रही है। तो टेंट सिटी में भी वीवीआईपी ठहरेंगे, यहां पर साधु संत या फिर आम लोग, श्रद्धालु ठहरेंगे। ये देखिए कि पूरा का पूरा चादर से और टीन से बनाया गया ये मकान है, छोटे छोटे मकान, और एक जगह पर, एक रूम में जो कंपार्टमेंट है, 1450 के आसपास ये जो कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट का मतलब ये है कि एक छोटे छोटे कमरे बने हैं, तो 3 लोग एक कंपार्टमेंट में आ सकते हैं। ये पूरा खाली जमीन है जिसे ट्रस्ट ने काफी पहले से ही लिया था और इस जगह पर देखें कि छोटे छोटे एक टीन सिटी के रूप में तब्दील की जा रही है। यहां पर खाने पीने की व्यवस्था से लेकर नहाने और टॉयलेट तक तमाम जो वो सुविधाएं होती हैं, वो सुविधाएं यहां पर दी जा रही हैं और उसके लिए दिन रात काम चल रहा है। और ये टीन सिटी के रूप में अयोध्या बस रही है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचने वाले हैं और उसी लिए तैयारियां जोरों पर हैं। तो फिलहाल ये टीन सिटी की आप तस्वीरें देख रहे हैं और आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि टीन सिटी के अंदर जो कंपार्टमेंट है, इस तरीके की जो कंपार्टमेंट है, उसके अंदर किस तरीके की व्यवस्था है, कैसे लोग रह सकेंगे, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, वो भी चीज मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले बाहर का लुक देखिए कि किस तरीके से टीन सिटी तैयार की जा रही है। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि आखिर में इस टीन सिटी के अंदर जो कमरे बनाए गए हैं, जो कंपार्टमेंट बनाए गए हैं, वो किस तरीके से बनाए गए हैं और किस तरीके से वहां पर सुविधा दी जा रही है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख बिल्कुल नजदीक आती जा रही है। 22 जनवरी वो तारीख है जब प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश विदेश के तमाम वीवीआईपी मेहमान अयोध्या में यहां पर इकट्ठा होंगे। जन सैलाब यहां पर उमड़ने वाला है, बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही होगी और यही वजह है कि यहां पर 4-स्टार होटल या 3-स्टार होटल की संख्या वो कम पड़ती जा रही है कि जिससे कि उन कमरों में लोगों को ठहराया जा सके, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही यहां पर होने वाली है। कहीं पर 4-स्टार या 3-स्टार के होटल हैं तो कहीं पर टेंट सिटी है जहां पर 5-स्टार होटल जैसी सुविधा दी गई है। ये आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं टिन सिटी की। ये पूरा का पूरा जो नगर है, पूरा का पूरा जो इलाका है, पूरी ये जो सिटी है, वो टिन से बनाई गई है। यहां पर आम लोग या अयोध्या से बाहर से आने वाले जो श्रद्धालु हैं, साधु संत हैं, उनको यहां पर ठहराया जाएगा। एक कंपार्टमेंट में, एक रूम में 3 लोग ठहर सकेंगे, जिसके लिए तमाम वो सुविधाएं, चाहे खाने पीने की है, चाहे टॉयलेट की हो, चाहे पानी पीने की हो, ये तमाम जो सुविधाएं हैं वो मुकम्मल की जा रही हैं, वो तैयारी की जा रही है। टिन सिटी को तैयार किया जा रहा है, दिन रात यहां पर काम चल रहा है। जहां पर भी आपको नजर जाएगी, आप देखिए कि कितने दूर में यह फैला हुआ है। 1450 से ज्यादा ये कंपार्टमेंट हैं और एक कंपार्टमेंट में 3 लोग यहां पर एक कंपार्टमेंट में ठहर सकते हैं और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 15,000 से ज्यादा इस जगह पर लोग ठहरने वाले हैं। तो ये देखिए कि किस तरीके से लोगों के ठहरने की जगह बनाई गई है। तो फिलहाल आप देखें कि टिन सिटी की ये तस्वीरें जो अयोध्या में बनाई गई है और
इस टिन सिटी की और मैं आगे तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको तैयार किया जा रहा है, किस तरीके से सजाया संवारा जा रहा है, ये भी मैं आगे आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि पूरा का पूरा ये शहर टिन सिटी के रूप में तब्दील हो गया है। टिन सिटी में अब मैं कंपार्टमेंट के अंदर की तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। जो भी श्रद्धालु अयोध्या से बाहर या अयोध्या के अंदर जो रहने वाले लोग हैं यहां पर जब आएंगे और प्राण प्रतिष्ठा की जो तारीख है 22 जनवरी उसके आसपास लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा। हालांकि बड़ी तादाद में लोग अयोध्या आ रहे हैं, तो ये देखिए तस्वीर इसके अंदर कंपार्टमेंट के अंदर की तस्वीर, और ये पूरा का पूरा कंपार्टमेंट टिन से ही तैयार किया गया है। पूरी सिटी टिन से ही तैयार की गई है और ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर है क्योंकि बड़ी तादाद में लोग यहां पर आएंगे। जब 7 से 8 हजार लोगों की संख्या इस जगह पर होगी तो उनको ठहरने के लिए व्यवस्था तैयार की जा रही है। तो अब देखिए इस कंपार्टमेंट के अंदर 2 से 3 लोग ठहर सकते हैं एक साथ में, और अगर ज्यादा लोग ठहरना चाहेंगे, ग्रुप में ठहरना चाहेंगे, तो उनके लिए बड़ा कंपार्टमेंट भी तैयार किया गया है। सिंगल अगर कोई रहना चाहता है तो उसके लिए छोटा कंपार्टमेंट तैयार किया गया है। तो इसी तरीके के 1450 से ज्यादा कंपार्टमेंट तैयार किए गए हैं और इसी के अंदर हर कंपार्टमेंट में टॉयलेट और इसके अलावा नहाने की भी व्यवस्था की गई है। ये देखिए नहाने के लिए आप, ये इस तरीके से अभी काम अभी लगातार चल रहा है और इसको घेर कर यहां पर एक गेट भी लगाया जाएगा, और ये देखिए गेट भी लग गया है और इस जगह पर नहाया जा सकता है। और अब मैं दूसरी तरफ दिखाऊं कि इस जगह पर ये देखिए जैसे ही कंपार्टमेंट के अंदर एंट्री कोई करेगा तो सबसे पहले इस जगह पर ये देखिए तस्वीर कि इस जगह पर टॉयलेट है और टॉयलेट शीट भी लगा दी गई है और अब फिनिशिंग का काम हो रहा है। इस जगह पर पानी की व्यवस्था है, पानी की पाइपलाइन भी बिछ चुकी है। हालांकि काम ये काफी पहले से ही चल रहा है, महीनों से काम चल रहा है और दिन रात यहां पर काम चल रहा है, जिसे कि तय वक्त पर पूरा कंप्लीट कर लिया जाए इस काम को, और जिसे जो लोग बाहर से आने वाले लोग हैं, श्रद्धालु हैं, ठहरने वाले लोग हैं, उनकी सुविधा में कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए काम लगातार यहां पर चल रहा है। कैमरामैन प्रदीप प्रधान के साथ रवि सिंह, अयोध्या, न्यूज 18 इंडिया।